दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों से बात करेंगे Xiaomi की एक और नई फ़ोन के बारे में जिसका नाम है Xiaomi Mi A4 जो कि इंडिया में बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है और A सीरीज का Xiaomi का फ़ोन काफ़ी पॉपुलर इंडिया में होता है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम आप लोगों से बात कर लेते हैं इसी Xiaomi Mi A4 के बारे में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम आप लोगों से बात कर लेते हैं कुछ इसकी लीक और र्यूमर के बारे में। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा क्योंकि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो मैं आप लोग के लिए सबसे पहले लेके आते रहता हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं शुरू। दोस्तों सबसे पहले हम इस फोन की अगर डिजाइन के बारे में बात करते हैं तो बैक में आपको ग्लास का बैक मिलेगा जो कि ग्लॉसी ग्रेडिएंट फिनिश के साथ आने वाला है और इसके साथ आपको स्क्वायर शेप में क्वाड्रेट कैमरा और इसके साथ आपको आगे की तरफ आपको पंच होल सेल्फी कैमरा के साथ ये डिस्प्ले आएगा जो कि सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ आएगा और सुपर एमोलेड डिस्प्ले है तो इस फोन में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल ही जाएगी। और दोस्तों इसके बाद इस फोन के डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं तो इस फोन में आपको 6.5 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले लगा हुआ मिल जाता है जो कि पंच होल सेल्फी कैमरा के साथ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर लेके आता है और इसके साथ प्रोसेसर में आपको ये फ़ोन 5G प्रोसेसर के साथ आएगा। जी हाँ दोस्तों इस फ़ोन में आपको 5G सपोर्टेड मिलेगी जो कि इसमें आपको मीडियाटेक का डायमेंसिटी 1000 प्लस का प्रोसेसर लगा हुआ मिल जाएगा जो कि काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है और यही फ़ोन आपको इस फ़ोन में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों ये फ़ोन स्टॉक एंड्रॉयड के साथ आएगी, कोई एड टैड का झंझट आपको इस फ़ोन में देखने को नहीं मिलेगा और इसमें एंड्रॉयड 11 का सपोर्ट भी देखने को आपको मिल जाएगा। और इसके साथ आपको इस फ़ोन की अगर रैम रेट के बारे में बात करते हैं तो इस फ़ोन में आपको 8GB और 6GB रैम रेट के साथ आता है और 128GB और 256GB का आपको इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगा। और दोस्तों इसके बाद इस फ़ोन की अगर कैमरा के बारे में बात करते हैं तो कैमरा में आपको ट्रिपल लेयर कैमरा के साथ ये फ़ोन आएगा जो कि स्क्वायर शेप में आएगा और दोस्तों इस फ़ोन की मेन सेंसर होगी 64 मेगापिक्सल की और इसके साथ आपको 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग लेंस या माइक्रो लेंस देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों अगर कैमरा के बारे में बात कर ही लिए हैं तो इस फोन में आपको सेल्फी में आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा जो कि आपको कैमरा एक्सपीरियंस काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है। और दोस्तों इसके साथ आपको एंड्रॉयड 11 का सपोर्ट और इसके साथ आपको 5000 mAh की बैटरी इसमें फ़ोन में देखने को मिल जाएगी जो कि आपको बॉक्स में 27 वाट का फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिल जाएगा जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और इस फ़ोन की हमको सही फीचर लगी जो कि है स्टॉक एंड्रॉयड। जी हाँ दोस्तों इस फ़ोन में कोई एड तैट का झंझट नहीं रहेगा। और इस फ़ोन की प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं और लॉन्च रेट के बारे में बात कर लेते हैं तो दोस्तों इस फ़ोन का प्राइस आपको 18 से 20 हज़ार के बीच में इस फ़ोन का प्राइस होगा और ये फ़ोन दोस्तों आपको अप्रैल के लास्ट वीक तक आपको ये फ़ोन इंडिया में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों बस वीडियो में इतना ही। आपको ये फ़ोन कैसा लगा आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा क्योंकि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो मैं आप लोग के लिए सबसे पहले लेके आता रहता हूँ। तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।